نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال الله تبارك وتعالى ثم إذا شاء أنشر صدق الله العظيم تر جانا گھر دے پیارے نے تر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا ہوئے تر جانا گھر دے پیارے نے ڈیرا سجیا سجایا رہ جانا ہو تیرے دیا پتراں آخر رول جانا یارا بھول دیا بھول دیا بھول جانا ہو ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا یار جانا جدو یار محفل سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے جدو محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے گلا یاد تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیا بھول دیا بھول جانا جانا وہ ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا صدا باپ نہ رہنا نامائی نے صدا باپ نہ رہنا نامائی نے بچھڑ جان دے بہنا تو بھائی نے او بہنا ویران باج کی جینائے او بہنا ویران باج کی جینائے بوا تک دیا مڑ جانا ہو ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا ہو تیری بیوی جو ناز پئی کر دیئے ہو تیری بیوی جو
नाज पई कर दिए, अज लाश नू वेख के डर दिए, अज लाश नू वेख के डर दिए, बाया कफन पहना के टोर नाए, मंजिल मुकदे मुकदया मुक जानी हो टुर जाना, घर दे प्यारे ने वेड़ा फबिया फबाया रह जाना, हो डर रब दे कहर अजाबा तो, हो डर रब दे कहर अजाबा तो, कर तो बाजूठ शराबा तो, अमानुल्ला मौत ने जद आना ए, लोका छड़ दिया छड़ जाना हो टुर जाना, घर दे प्यारे ने वेड़ा फबिया फबाया रह जाना, तू बैठा खोल पटारी ए, तेरे पीछे मौत शिकारी ए, उड़ जाना पंछी तेरे ने पिंजरा खुलिया खलाया रह जाना, हो टुर जाना घर दे प्यारे ने वेड़ा फबिया फबाया रह जाना, किते गुडिया किते पटोले ने, किते गुडिया ते किते पटोले ने, किते जंज ते किते डोले ने, किते जंज ते किते डोले ने, डोली वाले डोली ले जानी हो, डोली वाले डोली ले जानी, मिल बैठा बिठाया रह जाना हो टुर जाना, घर दे प्यारे ने वेड़ा फबिया फबाया रह जाना। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते, जो कि सारी कायनात दे खालको मालिक ने, अनगिनत बेशुमार दुरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, इमामुना फि दुनिया व इमामुना फि आखिरा, आमिना दिलाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस पर रहमत और बख्शिश की दुआ, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन, अहले बैत, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, मोमन और मोमिनात रहिमहुमुल्लाहु तबारक व तआला अजमाईन वास्ते, मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है जिस रब ने सानू अपने घर अंदर आन दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलो दुआए, अल्लाह तुसा अहबाब दा आना, तुसा अहबाब दा सुनना, मेरा बयान करना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के साड़ी जिंदगी भर दे गुनाहों नू मुआफ़ फरमाए, अल्लाह सानू सुन सुना के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयो, शुरू अंदर दुआ कर लो, साथियों ने दुआ दी अपील वास्ते क्या है, जितने मुसलमान बंदे बंदियां बीमार ने, दुआ करो अल्लाह सब नू अपनी रहमत नाल बीमारा नू अल्लाह शिफाए कामला आजला अता फरमाए, और जितने नमाजी हजरात बीमार ने अल्लाह उन्होंने भी अपनी रहमत नाल शिफाए कामला आजला अता फरमाए। भाई अमीन साहब काफ़ी देर तो बेचारे बीमार ने, अल्लाह अपनिया खास रहमतों का नजूल फरमाए, अल्लाह जिमें असी बैठे हाँ इस तरह साढ़े अंदर आके बैठ के अल्लाह जुमा पढ़न की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए, और जितने मुसलमान प्यारे दुनिया तो चले गए अल्लाह सब दे गुनाहों नू मुआफ़ फरमा के अल्लाह जन्नत दा मेहमान बनाए। खास तौर नमाजी हजरात, बड़े ही प्यारे मुखलस साथी, दीन नाल बड़ा प्यार करने वाले बाबा जी लियाकत साहब, जो इस फानी दुनिया नू छोड़ के चले गए, अल्लाह उन्हां दियां आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाए,
अल्लाह उस दी कबर ते रहमत ना नज़ूल फरमाए। अल्लाह होर जितने प्यारे दुनिया तो चले गए अल्लाह सब दे गुनाहों नू मुआफ़ फरमा के अल्लाह जन्नत दा मेहमान बनाए। मेरे मोहतरम भाईओ बुज़ुर्गो साथियो, बात चल रही सी कि इंशाअल्लाह तआला आइंदा जुमा बयान करांगे कबर तो लैके हशर तक दे सारे मनाजर तुहाडे सामने रखे जान। मेरे मोहतरम भाईओ, पिछला जुमा ए जुमा आइंदा वाला जुमा इन्हां नू एक मौजू ना समझिया जे, एक तेरे सामने मैं एक हकीकत रखना चाहना, ऐसे मराहल बयान करना जेड़े हर एक इंसान ते आने न, हर एक इंसान ने इन्हां मरलियां तो गुजर के जाना है। फिक्र करन दी बात है, गौर करन दी बात है कि इन्हां मरलियां नू असी तवज्जो नाल सुनिए और फिर इन्हां बातों ते अमल करिए। मेरे वीर, मैं बयान ये कर रहा सा कि जिस वक्त कोई मुसलमान प्यारा दुनिया तो चला जाए, सुन्नत के मुताबक उन्हें गुसल दिता जाए, गुसल देने तो बाद फिर सुन्नत के मुताबक जनाजा पढ़िया जाए, जनाजे तो बाद फिर उन्हें कब्रस्तान अंदर ले जाया जाए, कब्र अंदर दफन किया जाए। आओ मेरे वीर, इस तो अगे मैं बातें शुरू करना चाहना, मैं शुरू अंदर अल्लाह जुल जलाल का कुरान पढ़ना चाहना, तवज्जो नाल सुनना। मेरे उर्दू सांदे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ओए लोगो, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमा रहे ने ऐ दुनिया आरजी है, ऐ दुनिया फानी है, बकार रहने वाली आखरत दी जिंदगी है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने मैं तेनू बंदे मिट्टी चो पैदा कीता है, एक दिन तेनू मिट्टी अंदर दबा दिता जाएगा, फिर मैं रब तेनू मिट्टी अंदरों दोबारा जिंदा कर लवांगा। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया वमियु वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, किदे अल्लाह दे कुरान चो आवाज़ आंदी है सुम्मा इज़ा शा अनशरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नौजवाना तू भी गौर कर लै, बुजुर्गा तू भी गौर कर लै, मेरी माँ बहन तू भी गौर कर लै, ए मरले तेरे ते भी आने ने, वक्त तेरे ते भी आना, वक्त मेरे ते भी आना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस वक्त दे आन तो पहला पहला तैयारी कर लो, मैं अपनी बात का आगाज करा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। सब तो पहला मैं गल दसना चाहना, जो कोई प्यारा दुनिया तो चला जाए, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान वीर भरा वास्ते आखिरी घर तैयार करता है, कबर बनांदा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जवानों, जाया करो, कोई प्यारा दुनिया तो चला जाए, कबर बनाया करो। बुजुर्गो, इस नेकी अंदर हिस्सा पाया करो। अल्लाहु अकबर, कितना अजरो सवाब है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दा आखिरी मकान बनांदा है, आखिरी घर बनांदा है, यानी कबर बनांदा है, अल्लाह जुल जलाल इस बंदले अंदर उस मुसलमान दा जन्नत अंदर घर बना देंदे ने। तुसी कबर बना दे हो, कबर अपने मुसलमान वीर भाई वास्ते कट दे हो, खोद दे हो। अल्लाहु अकबर, नबी पाक ने इतनी बड़ी बशारत सुनाई है, अल्लाह उस बदले अंदर बंदे दा जन्नत अंदर घर बना देंदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। वीरा गौर करी, जिस वक्त कबर बनानी है ते किस तरह की बनानी है। आओ मैं हदीसे पाक पढ़ना चाहना, जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सुन्नत अंदरों, तरीके अंदरों दो तरह की कबर बनाना जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे मुबारक अंदरों सबक मिलता है, लाहद वाली कबर भी बनाना जायज़ है। लाहद वाली कबर यानी बगली कबर, अल्लाहु अकबर, थोड़ा जिन्ना गड़ा खोद के फिर सैड ते कबर कड़ी जाती है। यो कबर बाबा जी आदम अलैहि सलातु वसलाम दी है, यो ही कबर मेरे पाक नबी सल्ला
वसल्लम वास्ते बनाई गई है। अल्लाहु अकबर, ऐ कबर बनाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा अच्छी कबर है। ओ दूसरे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत अंदरों सबक मिलता है, शक वाली कबर। जिस तरह असी बना लैने अपनी कबर बना लैने, थोड़ा जिहा गड़ा खोदिया फिर थलो जाके होर थोड़ी जिनी कबर बनाई, इस इलाके अंदर ते मौजूद नहीं क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिहड़ा साडा इलाके वाला काड़े वाला इलाका है ना, अल्लाहु अकबर, जमीन थोड़ी जिनी सख्त है उत्थे दोवें कबरां बनाइया जा सकदियां ने। लहद वाली कबर भी बनाई जा सकती है, दूसरी सामी वाली कबर भी बनाई जा सकती है। दोवें कबरां दा तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे मुबारक अंदरों मिलता है, पर नबी पाक ने सब नालों ज्यादा पसंद किया है ते लहद वाली कबर दे मुतल्लक है। आका दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला नू जिस वक्त बीमार होए ने, जिस बीमारी दे अंदर उन्हां नू मौत आई है, ते उन्हां ने वसीयत कीती है। वसीयत अंदर लिखिया है कि जिस वक्त मैं मर जावां ते मेरा जनाजा फलाना बंदा अल्लाहु अकबर पढ़ावे, फिर वसीयत कीती है जेड़ी मेरी कबर बनाई जाए, लहद वाली कबर बनाई जाए। वीरा ए मसले याद करने वाले ने, तू भी वसीयत कर दिया कर, तू भी कोई अपनी आखरत की मंजिल वास्ते कुछ बातें घर वालियां नाल कर जाया कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, फरमाया मेरी लहद वाली कबर बनाई जाए, क्योंकि लहद वाली कबर मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, मैं वीरा कबर बन जाती है, जनाजा पढ़ लेंदे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान भाई दा जनाजा उठा लेंदे हो, जिस वक्त कब्रस्तान लैके जाते हो ख्याल करया करो जेड़ियां तुहाडे पैरां दे थल्ले कबरां आंदियां ने उन्हां नूं रोंदिया ना करो, कबरां दे उत्ते ना चढ़िया करो, ख्याल करया करो। इधरों चार पाई उठा लीए कब्रस्तान अंदर जनाजा लैके जा रहे हो, अल्लाहु अकबर, ते नबी पाक दी हदीस पाक अंदरों मिलदा है। हुण मैयत नूं कबर अंदर रखना है ते किस तरह रखना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ी मैयत है ओनू पैरां वाली साइड ते लिया के चार पाई रखी जाए। अल्लाहु अकबर, ऐ कबर बंदे दी बन गई है ना, ते इधर पैरां वाली साइड ते लिया के चार पाई रखिया करो। नबी पाक ने फरमाया इधरों उठा के इस तरह कबर अंदर अपनी मैयत नूं उतारिया करो। ऐ तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है, ऐ तरीका सहाबा किराम दा है। अल्लाहु अकबर, अगर साइड ते रख के दाई साइड ते भी उतार लैंदे हो ते कोई हरज नहीं, पर सुन्नत तरीका जेड़ा है वे जो नबी पाक ने दसिया, जो नबी पाक दे यारां कोलों मिलदा है, पैरां वाली साइड ते रख के चार पाई नूं उधरों मैयत नूं उतारिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वीरा तेरी मेरी कदम कदम ते रहनुमाई कीती है। अल्लाहु अकबर, जिस वक्त ऐसा चार पाई रख लवो पैरां दी तरफों नीचे उतारन लगो ते आका फरमांदे ने नीचे उतारन लगिया दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह, या पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाहि वाला सुन्नति रसूलिल्लाह। दुआवां याद करो जिहड़ियां कदम कदम ते अपने वीरां वास्ते पढ़दे हो, अपने बच्चियां नूं याद कराओ। यार किसना खुश नसीब बंदा होएगा जिहड़ा अपने बाप नूं, जिस बाप ने अपनी औलाद दी तरबीयत इस अंदाज़ नाल कीती है, बाप नूं हुण बेटा कबर अंदर उतार रिहा ते दुआ की पढ़ रिहा, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाह, मैं तेरे नाम नाल अपने अब्बू नूं कबर अंदर उतारन लगा वा, ते तरीका रसूलुल्लाह दा अपनाया है।
अल्लाह मैं अपने बाप नू तेरे नाम दे तेरी सपुरद करन लगा वा। अल्लाह मैं अपने बाप नू सुन्नत दे मुताबक कबर अंदर दफन कीता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अगे वीरा अगला मरला जेड़ा आ जांदा है जिस वक्त मैयत नू कबर अंदर रख दे हो। नबी पाक ने फरमाया है कई लोग ना मैयत नू दफनान तो बाद उनकी पूरी सज्जी सैड इस तरह काबे वाल कर देंदे ने। पूरी सज्जी सैड करना जरूरी नहीं, उनका चेहरा जेड़ा किबला रुख कर दियो। सुन्नत तरीका की है नबी पाक ने दसिया है उनका जेड़ा चेहरा थोड़ा जिहा इस तरह किबले रुख की तरफ कर दियो। हाँ अगला मसला भी सुन लो, जिस वक्त मैयत नू कबर अंदर उतार दियो वेख दियो कबर अंदर जरूरत पै गई है कपड़ा बिछावन की, तो कपड़ा थले बिछा सकने हैं। थले घास वगैरह अगर कबर इस तरह की जगह जमीन खुरदीली है तो नहीं सही तरह थलो पद्धर हो सकी, थले कपड़ा बिछाया जा सकता है। कोई कलीन वगैरह कोई इस तरह की चादर वगैरह थले बिछा दियो या घा थले रख दियो या कोई इस तरह जी चटाइया मिल जाएं सफ इन दियाँ दूसरे दियाँ कपड़े वगैरह दूजिया चटाइया मिल जाए चटाइया भी नबी पाक ने फरमाया हदीस पाक अंदरों मिलता है कि वह भी तुसी थले बिछा सकते हो, मगर साढ़े इत्थे जरूरत बन जाती है क्योंकि जगह गिली है। थले घा रख के उत्ते चादर बिछा के मैयत नूं इस अंदाज नाल दफनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका है। वीरा अगला मसला भी सुन लै, जिस वक्त अपने वीर नूं दफना लवें फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ियां उत्ते स्लैबां रखनियां ने अल्लाहु अकबर जिहड़ियां सीमेंट वालियां सी बना के रखने आ, बेहतर तरीका की है मेरे नाकस इलम दे मुताबक बेहतर पसंद मेरे नबी पाक ने फरमाया कच्ची चीज़ नूं पसंद कीता है। ज्यादा अक्सर उला मां ने लिखा फट्टे वगैरह रख दियो, वसीयत कर दियो किचे तक हो सके कोशिश हो सके कच्ची चीज़ नूं इस्तेमाल किया जाए, फट्टे मजबूत लैके वह रख दियो स्लैपां तो बचिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं मजबूरी है फिर ये भी रख सकने आ, मगर जिथे तक कोशिश हो सके फट्टे रख दिया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। वीरा अगला मसला सुन लै, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त दफना लो इस तरह मैयत के उपर फट्टे रख देवो फिर मैयत के उपर कबर के उत्ते मिट्टी पान लग दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। कबर ते मिट्टी पा देना ते कई लोग कबर बना लग्या कबर ते मिट्टी पान लग्या की करते हैं जी, कबर तो जड़ी मिट्टी निकली है सारी कबर ते मिट्टी पावनी है, कबर उचिया हो जाएं ने ना। नबी पाक सल्लल्लाह सल्लम की सुन्नत अंदरों तरीका जरा मिलता है एक बलिश ते सिर्फ एक गिठ थोड़ी जिन्ना या इस तो ज्यादा ला लवो इन्नी कबर जमीन तो चाहिदी है। जिवें असी मिट्टी लावन लग्या बहुत ज़्यादा वड्डियां कबरां कर दिंदे आ उचियां कर दिंदे आ इस तरह कबर ते करना मना कीता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता प्यारे अली जिन्नियां उचियां उचियां कबरां वेखना है इन्हां नूं जमीन दे बराबर कर दे की एक बलिश्त इन्नी उची अपनी कबर रख्या करो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान वीर भाई की कबर ते मिट्टी पाया करो। अल्लाह अकबर। हदीस चाहे कमजोर है मैं पढ़िए फजाइल अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ता है जनाजा पढ़न तो बाद कब्रस्तान अंदर जाता है अपने मुसलमान वीर भाई नूं दफना के आंदा है, दफनावन तो बाद आका फरमाते ने मिट्टी पाँदा है, मिट्टी पावन तो बाद फिर उनके वास्ते अल्लाह अकबर दुआ करता है। नबी पाक फरमान ने इंज मिट्टी दे बुक भर भर के तीन बुक अपने वीर भाई की कबर ते पा दिंदा है। कल क्यामत दा दिन होएगा जदों तेरे नामा अमाल नूं तोलिया जाएगा, तेरे नेकियां थोड़ियां होणगियां गुनाहां वाला वजन ज्यादा होएगा। अल्लाह जुल जलाल फरमानगे ओ मेरे ओ फरिश्ते हो जाओ ना ओ गुथली अंदर थोड़ी जिहड़ी मिट्टी है ना ओ लैके आओ, ओ मिट्टी लिया के उंदे नामा अमाल अंदर रखी जाएगी ते फिर नेकियां दा वजन बहुता हो जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दे फरिश्ते पुछदे ने अल्लाह सोनिया ए मिट्टी केड़ी है, अल्लाह फरमानगे ए मिट्टी ओए जेड़े ने दफन लगा अपने वीर भाई नूं दफनान तो बाद उंदी कबर उत्ते पाई है। इतना सवाब है अपने मुसलमान भाई नूं दफनाना उंदी कबर ते मिट्टी पाना। अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्लाह।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ए फरमाया है, कल क्यामत वाले दिन तेरे नामा आमाल अंदर इस मिट्टी का भी वजन किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दूसरा सवाब सुन ले, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मुसलमान का जनाजा पढ़ता है, कब्रस्तान दफना के आंदा, बाद अंदर दुआ करके आंदा है, अल्लाह जुल जलाल ऐसे बंदे नू दो ओहद पहाड़ जितना अजरो सवाब अता कर देने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। आ वीरा अगला मसला सुन लिया, जिस वक्त कबर उत्ते मिट्टी पाई जाए, कबर चो जड़ी मिट्टी सारी कड़ी जाए, कबर ते पाना जरूरी नहीं, ऐ सुन्नत तरीका नहीं कि जड़ी कड़ी है ओ जी सारी पाई जाए, नहीं। अल्लाहु अकबर। कबर अंदर थोड़ी जिनी कबर उच्ची होए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सुन्नत अंदरों तरीके अंदरों सारा नबी पाक ने हुण सानू तरीका समझा दिता है। असी एवें अपने कोलों बड़िया बड़िया बिदात आजाद कर लिया ने, कबर बनावन तो बाद दफनावन तो बाद उत्ते फुल पाना शुरू कर दिते ने, उत्ते सबद टहनियाँ छिटनियाँ शुरू कर दित्तियां ने, या हरी नहीं कोई पुट के असी वह लाना शुरू कर दी है। मेरे भाईओ, कबर के उत्ते फुल पाना है, हरी टहनी लाना है, मेरे नबी पाक का सुन्नत तरीका नहीं। कम सो कम आखिरी वक्त इन्हें मरलिया इन्हें बिदात तो बच जाया करो, जिंदगी अंदर नहीं तो आखिरी वक्त ही अपने भरा नाल मुखलस हो जाओ कम सो कम। अल्लाहु अकबर। वीर अगली गल सुन लिया, जेडे कबर से तू फुल पाएगा उन्होंने फुलों का फायदा कोई नहीं, उन्हां दी खुशबू थले जानी कोई नहीं। कबर दे उत्ते पानी छिड़कना नबी पाक दी सुन्नत है। अगर कोई मसला दसे, कोई आके कि नहीं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कबर दे उत्ते जेड़ी टहनी है वह लाई है, अगर लाई है तो मेरे वीर नबी पाक दा मौजज़ा है। नबी पाक नू वही दे जरिए दसिया गया, सुनिया इन्हां कबर अंदर अजाब हो रहा है, नबी पाक ने टहनी लाई है ताकि अजाब हल्का हो जाए। तू अपने वीर वास्ते पहले ही की दिन बनाया है कि मेरे वीर नू अजाब हो रहा है, नाले जेड़ी टहनी नबी पाक ने लाई है तेरी टहनी नबी पाक दी टहनी नाल मिल गई है। सोच ना जरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा कुरान की कह रहा है, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान की ऐलान कर रहा, बंदिया मैं तेनू मिट्टी चो बनाया है, आखिर मिट्टी अंदर चलिया जाना, कबर अंदर चलिया जाना है। वीरा उस कबर अंदर जान तो पहला पहला कबर की तैयारी कर ले, फिक्र कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त कबर उत्ते मिट्टी पा लवो, अल्लाहु अकबर, मिट्टी कबर बनावन तो बाद मिट्टी पावन तो बाद आका फरमांदे ने, इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने वीर भाई दी कबर ते खलो जाओ, वस आलू लहू बितस्बीति फइन्नहुल आन यसअलू। आका फरमांदे ने फिर उंदी कबर ते खलो के दुआ करया करो, ते दुआ की करनी है। नबी पाक ने दसिया दुआ करया कर, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, याद कर लो है, ए मरले ए वक्त मेरे तेरे ते आना है। वीरा अपने भरावां नू दुआ याद करा जा, अपने बच्चियां नू दुआवां याद करा जा। अल्लाहु अकबर। सानू ते कालियां ही बड़ियां ने, कौन जांदा है कब्रिस्तान जाके इंतजार करदा है, कौन फिर किसे वास्ते इतनी दुआ करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाह इन्नु माफ कर दे, पढ़या करो, अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौलि साबिती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सोनिया मेरे वीर नु साबत कदमी अता फरमाई, रज के दुआ करया करो, लंबी दुआ करया करो। सही मुस्लिम पाक अंदर हदीस है, अल्लाहु अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नु दी सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार अपने बच्चियां नु ए वसीयत करदा है, पुत्रो जिस वक्त मैनू कब्रस्तान अंदर छड़ आओ, कब्रस्तान अंदर दफन कर दिओ ना, फिर मेरी कबर ते खलो के
लंबी दुआ करे आजे, किन्नी लंबी दुआ करे आजे, गोया के एक ऊंट नू ले आ जाए, ओनू नहर कीता जाए, फिर उस गोश्त उस ऊंट दा गोश्त पूरे महल्ले अंदर तकसीम कर दिता जाए। जिन्ना वक्त ओ मेरे बच्चो एक ऊंट नू नहर करन दा गोश्त बनावन दा तकसीम करन दा लगदा है, इन्नी लंबी खड़ के मेरी कबर ते दुआ करया करो। यार ईमानदारी नाल गल दस्या जे, साडे सफेद बाल हो गए ने, सानू ते कालियां बड़ियां ने, जल्दियां बड़ियां ने, कोई इतराज़ कर रहा जनाजा बड़ा लंबा हो रहा है, दवावां बड़ियां लंबियां ने, लत्तां थक जांदियां ने, हैं खलोता नहीं जांदा। ओ कारी साहब की करिए, ओ भाई तेरे ते किहड़ा फर्ज है, नहीं खड़ा हो जांदा ते जा, कम से कम नेकी कर रहा। दलील अगो की दे रहे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कुछ सहाबा ने आके, कुछ लोगों ने आके फरमाया अल्लाह दे नबी जी फलाना तुहाडा सहाबी जिन्हों तुसीं साडा इमाम बनाया वो नमाज बड़ी लंबी करदा है, असीं थके होने उन्हूं को नमाज हल्की कर दिओ। तो भाई वह फर्ज नमाज का हुक्म है, नमाज़े जनाजा का किदे हुक्म पढ़िया वे? मैं ते नमाज़े जनाजा दे मुतलक पढ़िया, वीरा अपनी सलाह कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नियां लंबियां दुआवां पढ़ दे, इतना लंबा जनाजा कर दे, नबी पाक दे यारां दे इंज लगदा है जिन्नियां दुआवां रसूलुल्लाह ने पढ़ दित्तियां ने रब ने मैयत दे गुनाह माफ कर दिते ने। ते दिल अंदर आरजू करते सी अल्लाह सोनिया काश अज जनाजा इसका नहीं, अज जनाजा साडा होंदा, दुआवां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे, इन्नियां दुआवां हुण असीं ओही दुआवां पढ़ने आ जिहड़ियां दुआवां नबी पाक ने दसियां ने। वीरा ऐ सिर्फ तेरे नाल लोगों ने मुहब्बत करनी है, आई तेरे नाल प्यार करना है, तेरा ते जनाजे का इंतजार नहीं किया जाता। जिन्हां नाल तू बड़ियां मुहब्बतां ते बड़े प्यार करना है तेरा तो वह इंतजार नहीं करते। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नजरत अमर बिनास फरमाते ने बचियो इतनी लंबी मेरी कबर ते खलो के दुआ करया जे, अवीरा तू भी दुआ करया कर, किन्ने यार दफना दिते, बाप नू दफना दिता है, माँ नू दफना दिता है, भरावां नू दफना दिता है, चाचे मामे कितने दफनाए हैं, है दादे नू दफनाया, नाने नू दफनाया, दस खां किदे कोई अद्धा घंटा खलो के दुआ कीती होए ते रो रो के आखे आवे अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा सबित हु बिल कौल साबिती। मेरी महफल अंदर, मेरे इस मजमे अंदर एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा। फिक्र करो अपने वीर वास्ते, मुखलस हो जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह 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 दा कुरान कह रहा है, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस वक्त बंदा अपने मुसलमान वीर भाई नू दफना देंदा है, दफना के वापस आंदा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, ते जेड़ा मुर्दा है जिस वक्त तुसी वापस आंदे हो छड़ के कब्रस्तान आंदे हो, तुहाडे पैरां दी आवाज ते आहट नू ओ सुनदा है, ते पुकार पुकार के कहंदा है, ओ प्यार करन वाले हो किथे छड़ चले हो। बाप आंदा है, ओ बच्चियो किन्ना प्यार करदे सी, बाप नू किथे छड़ चले हो, ओ मां मां नाल बड़ा प्यार करन वाले हो, मां नू छड़ के आंदे हो, तेरी हकीकत इस तरह तेरे सामने मैं रखना चाहना, बंदे आ तो अपनी औकात नू पहचान लै, बंदे आ तो अपनी औकात नू पहचान लै, कबरां दी ओस काली रात नू पहचान लै, जिन्ना नाल टुर दस तू हिक तल के, कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के, उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान लै, बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै। जवाना मैं तेरे सामने तेरी हकीकत रखना चाहना, बुजुर्गा मैं तेरे सामने तेरी हकीकत रखना चाहना, मेरी बहना मैं तेरे सामने तेरी हकीकत रखना चाहना, मेरी माँ मैं तेरे सामने तेरी हकीकत रखना चाहना। अज दे मौजू नू, अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक नू मौजू ना समझिया जे, वीरा एक मरहला समझिया जे, ए मरला
अल्लाह तेरे ते भी आना है, मेरे ते भी आना है, अमीर ते भी आना है, गरीब ते भी आना है, ये बुजुर्ग ते भी आना है, जवान ते भी आना है, अल्लाह हु अकबर गोरे ते भी आना है, काले ते भी आना है, हर एक बंदे ने इन्हां मरलियां चो गुजर के जाना है। वीजा अपनी हकीकत नू पहचान लै, जिन्हां नाल बड़ा तू एंजल तुरिया फिरना है, बदमाशियां करना फिरना है, जिन्हां दे नाल तुर के नमाजा छड्डी फिरना है, जवाना गौर करी, मेरे जुमलिया नू जाया ना करी, जिन्हां पिछे लग के अल्लाह दे रसूल नू नाराज कीता ई, जिन्हां पिछे लग के तू वीरा जना पिया करना है, जवाना जिन्हां पिछे लग के तू चोरियां पिया करना है, जवाना जिन्हां पिछे लग के तू शराबा पिया पीना है, जवाना जिन्हां पिछे लग के तू सूद दियां ते किस्तां ते चीजा पिया लैके देना है। इन्हां दी हकीकत मैं तेरे सामने रखना चाहना, ते अल्लाह दा वास्ता दे के आना चाहना। अल्लाह अकबर अपने दिल अंदर आखरत दा डर पैदा कर ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले, ला के उदार तेरे तेरे यार चले नी, ला के उदार तेरा तेरे यार चले नी, मिट्टी दियां बुकां तेरे मुंह ते मार चले नी, ला के उदार तेरा तेरे यार चले नी, मिट्टी दियां बुकां तेरे मुंह ते मार चले नी, तेरी ये औकात औकात नू पहचान ले, कबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले। सजना औलाद पिछों पानियां ने भंडियां, फिर तेरे माल दियां पैनियां ने वंडियां, कफन जी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, फिर तेनू पिछों किसे याद भी नहीं करना, फिर तेनू पिछों किसे याद भी नहीं करना, दोस्ता ओ तेरी आई किसे भी नहीं मरना, मौत दी अनोखी वार दात नू पहचान ले, कबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले। अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहा, मिन हाउ खलकनाकुम वफी हानु ईदुकुम व मिन हानु खरिजुकुम तारतन उखरा। वीरा है तेरी औकात मैं दस दिती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबर का जिक्र किया है, कबर के मुतलक दसिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाने, नबी पाक जुमा पिया पढ़ाते ने, जुमे के अंदर नबी पाक ने कबर का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर, कबर दिया सजावान का जिक्र किया है, कबर के सवालों जवाबों का जिक्र किया है, कबर के सप के ठूव्या का जिक्र किया है। नबी पाक जिक्र पिया कर रहे ने, नबी पाक खुतबा पिया दे रहे ने, नबी पाक दसी जा रहे ने, जज्जल मुस्लिमूना जज्जतन। नबी पाक दे यार जेने ने अल्लाह अकबर सुनी जा रहे ने, ते रोई जा रहे ने, अखां चो आंसू बहाई जा रहे ने, जज्जल मुस्लिमूना जज्जतन। इतना रोए ने मस्जिद नबवी दे अंदर, चीखना शुरू कर दिता, सिहाबा दे रोवन की आवाज पिया आ रही है। अल्लाह अकबर, यार केड़े रो रहे ने, कौन जिक्र कर रहा है। अल्लाह अकबर, जेड़े सामने बैठ के रो रहे ने, जेड़े सहाबी दियां दिनां सहाबा दे जेबां दे अंदर जन्नत दे सर्टिफिकेट ने, इस दे बावजूद कबर दा जिक्र सुनिया है, कबर दे मुतलक सुनिया ते रोई जा रहे ने, जिन्हां दे मुतलक ऐलान है, सोनिया महबूबा मैं तेरे यारां ते राजी हो गया वा, तेरे यार मेरे ते राजी हो गए ने।
अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है जिंदा नाम हजरत उस्मान बिन अफ्फान है। वो जवाना गौर करी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दोहरा दिमाग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जबान है नबुव्वत चो कई दफा जन्नत की बशारत लैन वाला है। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर का जिक्र करते ने ते रोंदे ने, इतना रोंदे ने, इतना रोंदे ने, जेड़ी दाड़ी है ये आंसुआं दे नाल तर हो जांदी है। किसे पुछन वाले ने पुछया, सवाल करने वाले ने सवाल किया है, ओ प्यारे उस्मान जदों नबी पाक क्यामत का जिक्र करते ने, जदों नबी पाक हशर दे मैदान का जिक्र करते ने, जहन्नम का जिक्र करते ने, ओ प्यारे उस्मान जी तुसी इतना नहीं रोंदे? प्यारे उस्मान जी की गल है, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कबर का जिक्र करते ने तुसी बड़ा रोंदे हो। प्यारे उस्मान का जवाब की है, वीरा मैं कबर नू याद करके इस वास्ते रोना वा। नबी पाक ने फरमाया कबर जेड़ी है ये आखरत दियां मंजिलां चो पहली मंजिल है। जेड़ा बंदा कबर अंदर कामयाब हो जाएगा वो आखरत अंदर कामयाब हो जाएगा। ते वीरा गल सुन ले, मैं कबर नू याद करके क्यों रोना वा? मैदाने मैशर होएगा, बड़े बड़े लोग होंगे, अल्लाह अकबर जहन्नम अंदर बड़े बड़े लोग होंगे। वीरा ए ऐसा गड़ा है जिंदे अंदर इंसान कल्या ही जाएगा, कल्या ही इंसान होएगा, कल्ला इंसान होएगा। उसके कोलों पुछया जाएगा, मैं इस वास्ते कबर नू याद करके रोना वा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओए मुसलमानों इस कब्रस्तान नू, इस कबर नू एक कल्ला गड़ा ही ना समझिया जे। अल्लाह अकबर, आका फरमांदे ने ये जहन्नम दे गड़ियां दे विचों एक गड़ा है ते जन्नत दे बागां दे विचों एक बाग है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जवाना एक जनाजे अंदर शरीक होए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान अंदर गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर अंदर पहुँचे ने, कब्रस्तान पहुँचे ने, ते कबर अंदर थोड़ी जी देर है ना ते जनाजा इंज मैयत रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर ते बैठ जाते ने, मेरे पाक नबी कबर नू याद करके रोई जाते ने, रोई जांदे ने, रोई जांदे ने। ते आका फरमांदे ने या इख्वानी लिमिसली हादा फाइतू, ओ मेरे भाइयो तैयारी करनी जे ते इस कबर दी तैयारी करो ना। ओ वीरो मैं भी एहो ही पैगाम देना चाहना वा, कोठियां नहीं, बंगले नहीं, जमीना नहीं। आका फरमांदे ने या इख्वानी लिमिसली हादा फाइतू, यारो तैयारी करनी है ते कबर दी तैयारी कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं एक और हदीस पढ़ना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, कबर अंदर जिवें सजावां दित्तियां जांदियां ने, अगर मैनू इस बात दा डर ना होंदा कि तुसी अपना बाप दफनाना छड़ देना है, अपनी मां दफनानी छड़ देनी है, अपना वीरा दफनाना छड़ देना है, अपने यार दोस्त नू दफनाना छड़ देना है। आका फरमांदे ने मैं अल्लाह दे कोलो दुआ करदा, अल्लाह तुहानू अज़ाबे कबर दियां आवाज़ां सुनांदा, मैनू डर इस बात अंदर है कि तुसी अपने प्यारियां नू दफनाना छड़ देना है। अल्लाह अकबर। किदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं हदीस पढ़ी है ते हैरान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक यार फोत होया है जिंदा नाम है साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला नू। साद कौन है? कितना अल्लाह दा नेक ते वली बंदा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जनाजा रखिया है ते जनाजा सहाबा उठा के गए कि जनाजा रखिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या है हज़रत जिब्रील सलात व सलाम आए ने, फरमाया जबरील तुसी? फरमाया सोनिया मैं कल्ला ही नहीं आया, मेरे नाल 70,000 फरिश्ता अल्लाह ने भेजे आए।
जेड़ा साध दे जनाजे दे नाल आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़िया है। नबी पाक दे यार आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी, जिस वक्त असी साध दा जनाजा उठाया ना, तो सानू भार बिल्कुल महसूस ही नहीं होया। आका फरमाते ने भार किवें महसूस होना जी, हज़रत दे साध दे जनाजे नू ते जेड़े अल्लाह दे फरिश्ते ने वह भी कंधा दे रहे, तुहानू भार कित्थों महसूस होना। अल्लाहु अकबर। जनाजा जिन्ना पढ़िया अल्लाह दे फरिश्तिया ने पढ़िया, जनाजा पढ़ाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार नू खुद अपने हत्थां दे नाल कबर अंदर उतारिया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबर ते खलो के दुआ की है। मेरे आका अली सलातो सलाम कबर ते खड़े ने, क्या कहा? सुबहान अल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी पाक पढ़ी जा रहे ने अल्लाहु अकबर, ए आवाज़ा नबी पाक ने बुलंद कीतियां ने। नबी पाक दे यार आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी, जो अज साध दी कबर ते खलो के तुसी जुमले पढ़े ने, अज तक तुसी किसे दी कबर ते खलो के नहीं पढ़े, की गल है? अल्लाहु अकबर। आका फरमांदे ने, यारो मैं केड़ी गल दसां ते केड़ी गल बयान करा, मेरे साध नू कबर ने प्यार नाल जफ्फी पाई है, फिर छड़ दिता है, ते मैं पढ़ी जा रहा अल्लाहु अकबर, मैं अल्लाह दी बड़ाइयां बुलंद की जा रही वा। नबी पाक दे यार तड़प के बोल के आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी, जरा कफीयत बयान कर दियो ना, जरा यही दस दियो कबर प्यार नाल साध नू किवें मिली है, किवें साध नू सीने नाल लाया है, किवें एक बारी दबाया है। आका फरमांदे ने, मेरे साध नू कबर प्यार नाल मिली है, ते मिलन दा ए अंदाज बन गया है। हजरत साध दियां, मेरे यार दियां सजियां पसलियां खबियां अंदर ते खबियां सजियां अंदर दाखल हो गई ने, एक बारी इस तरह मिले फिर छोड़ दिता है। ते नबी पाक यार किंदा जनाजा है, जिंदे जनाजे नाल फरिश्ते आ रहे ने, है जिंदा जनाजा जिबरील ने पढ़िया, जिंदा जनाजा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है, ते कबर अंदर ए कफीयत बन गई है, ते जवाना तेनू कोई डर ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तू तो सिर्फ एको गल अंदर ही, तेरे शता तेरे जहन अंदर शैतान ने कोई गल बिठा दी है, कौनी हुण तक तकरीर सुनिया ने, मौलवी कहते ही रहते हैं, है मौलवी इन जी डरा आए ने, जो तो गल डरावे की आई है तो फिर इन इनिया गल् कर दतिया ने, एक बारी तो चीखा निकल जाने ने। भाई इन्हों चीज़ों मजाक ना समझ, मैं तेरे सामने एक हकीकत रखना चाहना, अज समझ जाएगा इन्हों बातों पर अमल करेगा, अल्लाह तेरी दुनिया और आखरत सोहनी बना देगा, अपनी कबर नू याद करेगा, अल्लाह तेनू इज्जत की रोटी अता करेगा, अपनी कबर नू याद करेगा, कबर की तैयारी करेगा, अल्लाह तेनू दुनिया जहान दे दोवें जहानों दियाँ हर नेमतों नाल माला माल कर देगा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किदे इंज बयान किया है, आका अली सलातो सलाम ने एक छोटे जे बच्चे का जनाजा पढ़ाया है, कबर अंदर दफन किया है। नबी पाक फरमाते ने, अगर कबर दे कोलों, कबर दी सख्ती कोलों, कबर दे दबोचन दे कोलों किसी ने बचना होंदा, ते ए छोटा जिहा मासूम बच्चा बच जांदा। कबर हर एक नूं एक वारी दबा दी है, एक वारी इस तरह नोट घुट दी है, अल्लाह सानू कबर दी हर तरह दी सख्ती कोलों महफूज फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुसी कबर अंदर इस तरह अपने वीर नू दफनाया है, जिस वक्त वापस आंदे हो तुहाडे पैरां दी आवाज़ सुनदा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, उसकी कबर अंदर जेड़े फरिश्ते ने आ जाते ने मुनकर ते नकीर, हर बंदे दी कबर अंदर आंदे ने, पर जेड़ा बंदा नेक होंदा है उस दी कबर अंदर जिस वक्त मुनकर ते नकीर आंदे ने, सोहनिया शक्ल अंदर आंदे ने, खूबसूरत शक्ल अंदर आंदे ने, प्यार नाल इसना करके उठाते ने, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते जिस वक्त कबर अंदर आंदे ने, चेहरे तो कफन हटाते ने, ते वेखदे ने इंदा चेहरा ते सुन्नत दे मुताबक, फिर प्यार नाल उठाते ने। ते वीरा तू भी जरा अपने चेहरों की हालतों पर वेखना, किवें दिन रात खपी जाना, सुन्नत की मुखालफत की जाना है, एक बार इस तरह करके मुखालफत की है, दोबारा फिर आ गई, फिर तेन शर्म दिला दी, कुछ तो हया कर लै, कुछ तो ख्याल कर लै, हो नहीं छड़ दे, हो नहीं माफ कर दे। कई तो बाबे बुढ़े भी हो गए ने, फिर भी चूंडियां ना वाल पटाई जाते हैं, है फिर कही जाते हैं इतों भी वाल ला दी। कितने नौजवान बुजुर्ग ने जेड़े अज इरादा करते हैं, कारी साहब इंशाल्लाह असी अपने चेहरे पर सुनते रसूल सजावांगे, ए मैं कैमरा घुमा दिना, अल्लाह दे अगवाई पै जाने, वादा कर दो इंशाल्लाह, जिन्होंने दाड़ियां नहीं रखी
जिन्हें बंदिया ने नौजवानों कर लो इरादा अज मस्जिद अंदर बैठ के वादा कर लो कि इंशाल्लाह अपने अज तो बाद चेहरे ते सुनते रसूल नू सजा लैना। बाकी अमल तो यार बाद अंदर ने, जो एक बार कम से कम चेहरे तो कपड़ा हटाण वेखन यार, कम से कम चेहरे ते सुनते रसूल वेख के कुछ तो तेरा ख्याल करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है जिस वक्त आके बंदे नू उठांदे ने ते बंदा जेड़ा नेक बंदा है उठदिया सार की कहंदा है दाऊनी उसली सैर ते हो जाओ, मेरी असर दी नमाज जाया हो रही है। ये केड़ा बंदा कह रहा उदाऊनी उसली? नबी पाक ने फरमाया सुबह नू दफना दियो, दोपहर नू दफना दियो, शाम नू दफना दियो, जिस वक्त भी अपनी मैयत नू दफना दियो, जिस वक्त फरिश्ते आके उन्हें उठांदे ने कबर अंदर उठाया जाता है बिठाया जाता है उन्हूं एंजी लगता है जिमें मेरी असर दी नमाज जाया हो रही है, सूरज गरूब हो रहा है। अल्लाह अकबर। उठद्या सार आखेगा दुआऊ नी उसली, ए अल्लाह नमाजी बंदे नू हिम्मत अता करेगा, जुरत अता करेगा। केड़ा बंदा आखेगा दुआऊ नी उसली, सैर ते हो जाओ पहला, मैनू मेरी असर दी नमाज पढ़ लैन दियो ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। ओ ही बंदा आखेगा जिन्हें अज दुनिया ते रहंदिया होया नमाज की फिक्र की, जिन्हें अज दुनिया ते रहंदिया होया असर दे वक्त यारां नूं आख्या छड्ड दित्ता है, दोस्तां नूं छड्ड दित्ता है, घर वालियां नूं छड्ड दित्ता है, दुकानदार ते गाहकां नूं छड्ड दित्ता है, पट्ठे पा रहे ते पट्ठियां नूं छड्ड दित्ता है, अगर किसी क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर खेल रहा है खेल नूं छड्ड दित्ता है तो नमाज अदा की है। नमाजी बंदे का अल्लाह वैसे ही एक रोह बना देता है, नमाजी बंदे नूं अल्लाह बड़ियां जुरतां अता करता है, नमाजी बंद बड़िया हिम्मत अता करता है। मैं दुआ करना अल्लाह सानू अपनी जिंदगी दी आखिरी नमाज नमाज असर बा जमात अदा करने दी तौफीक अता फरमाए। तो मैं इत्थे गल एक करना चाहना, तो छोटी जी दुआ करना चाहना, तो तेरे जज्बात वधाना चाहना। मेरा ईमान इंशाल्लाह मेरा हुसने जाने बड़े बड़े प्यारे दुनिया तो चले गए ने, पर बाबा जी लियाकत साहब का जिक्र करना मैं मजबूरी समझना। पता कि मुहब्बत ही बड़ी सी, दीनी मुहब्बत, अल्लाह वास्ते उस बंदे नाल प्यार बड़ा सी। अल्लाह की कसम नमाजी बंदा सी, मेरा यकीन है जदों बाबा जी ने उठाया होएगा तो उठ के कहंदे होणगे दौनी उसली, भाई उन्होंने तो अपनी जिंदगी अंदर नमाज नहीं छड़ी, यार छड़ दिते, भाण भैन भरा हर शह छड़ दी, उन्होंने उदों भी नमाज की फिक्र की। और वीरो जो तो तुसी नमाजी होवोगे ना तो आड़ा कोई भी इमाम होएगा तो उन्हें भी अंज अच्छे लफ्जा नाल याद करेगा, इस तरह हुसने जान रखा होएगा। कई किन्ने ने तेरे मेरे इस गाँव के अंदर जेडे बेनमाज मरे ने, असी तो मुखलस होकर जनाजा दुआवां कीतियां ने, मगर मैं इन्हां कन्नां नाल खुद उन्हां बंदियां दे मुँहां दे अंदर जबानां जिंदर गल सुनी है, इनू अल्लाह ने किवें बखना जिंदगी च नमाज ते पढ़ी कोई नहीं। अल्लाह पाक दी कसमे में मिंबर ते खड़ा लोग नहीं जे छड्ड दे, लोग दुनिया ते तेरा हिसाब कर देंदे ने। अल्लाह अकबर। नमाजी बन जा, तेरे वास्ते नमाजा अंदर दुआवां कीतियां जा। एक बार ही नहीं हर बंदा अज बाबा जी ने अच्छे लफ्ज़ नाल याद की जाता है कि नहीं, ये तेरे वास्ते किबरत है। समझ आ इस बात नूं कि नमाजी बन जा, अल्लाह उन्हां दे बच्चियां नूं हदायत दे, उसे तरह बाप तरह नमाजी बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। जिन्ने चले गए प्यारे अल्लाह सब ते अपनी रहमत दा नज़ूल करे, अल्लाह सानू नमाजी बनाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त फरिश्ते आंदे ने पुछदे ने बंदा आंदा है दौनी उसली सैर ते हो जा, मैनू नमाज पढ़ लैन दिओ, जिहड़े फरिश्ते ने बाकी गल्लां पुछदे नहीं अल्लाह कोल जांदे ने, अल्लाह सोहणिया तेरा बंदा नेक बंदा कबर अंदर भी आया है ते नमाजां दी फिकर है, कबर अंदर भी अल्लाह नूं तेरियां ही फिकरां ने। अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने मेरे ओ फरिश्तो वा अफरिशूहु मिनल जन्ना वा अलबिसूहु मिनल जन्ना, ओ मेरे ओ फरिश्तो जन्नत अंदरों बिस्तर लै जाओ, जन्नत अंदरों लिबास लै जाओ ते मेरे इस नेक बंदे नूं पहना दिओ। ए ते नेक बंदे दी हालत है। मैं दूसरे नंबर ते जिक्र करता जावां जिहड़ा बंदा गुनाहगार फासक ते फाजर है, जिन्हें किते नमाज पढ़ी नहीं चखी कोई नहीं। मैं ते तुहानूं अज दावत दे रहा वां लोगो नमाजी बन जाओ, नमाजां दी पाबंदी करो, आखरत दी फिक्र करो। जवानों हर बंदे ने तेरा हिसाब कर देना है, वेख्या जाना किन्ना का तू नमाजी सै। नमाजी बंदा है ते हर नमाजी तेनू याद करेगा, शराबी है ते शराबां दियां महफलां अंदर याद किया जाएगा, जानिए ते जनावां दियां महफलां अंदर याद किया जाएगा, नमाजिए ते नेक जगह ते मस्जिद अंदर याद किया जाएगा।
अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जरा बंदा बेनमाज है फासक ते फाजर शराबी ते जानी हराम खान वाला सूद खान वाला नशा करने वाला शीशा पीन वाला बंदा जिस वक्त कबर अंदर आंदा है मुनकर ते नकीर डरौनिया शक्ल अंदर आंदे ने लंबे लंबे इन्हां दे दंद होंदे ने अल्लाह अकबर डरौनिया शक्ल अखा नीलियां आंदियां ने मेरे पाक पैगंबर जाना बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आके फरिश्ते उन्हूं एक बुरज मार देने सिर ते बुरज मार के उठांदे ने थोड़ा मार के उठांदे ने जिस वक्त बंदे नूं उठाया जांदा ते पुछया जांदा सवालों जवाब किते जांदे ने और दस बंदे अमर रब्बू का तेरा रब कौन है किते रब वाला आया ही कोई नहीं ते बंदा की आखेगा हाँ हाँ लादरी मैं नहीं जे जानता मैनू कुछ नहीं जे पता हाँ हाँ लादरी मैं नहीं जे जानता अल्लाह अकबर। दूसरा सवाल किया जाएगा माँ दीनू का दस गां तेरा दीन इस्लाम की है केड़ा मजहब है दस गां ईसाई है यहूदी है या मुसलमान है केड़े दीन इस्लाम ते अमल करता रहा पूछा जाएगा अज अगर दीन के मुताबक जिंदगी गुजारी होएगी तो उत्थे जवाब दे सकेगा ना तो आखेगा हाँ हाँ ला अदरी मैं नहीं जे जानता पूछा जाएगा मन नबीयू का तेरा नबी कौन है दस खां ते अल्लाह अकबर अगर नेक बंदा होवेगा तो आखेगा हुआ रसूलुल्लाह ते अगर बेनमाज है फासक ते फाजर ते शराबी ते जानी ते सूद खान वाला हराम बंदा जवाब देवेगा हाँ हाँ ला अदरी मैं नहीं जे जानता अल्लाह जुल जलाल दे फरिश्ते जाके आंदे ने अल्लाह सोनिया तेरा बंदा जेड़ा है कबर अंदर आया है फासक ते फाजर ते गुनागार किसे गल का कोई पता नहीं अल्लाह जुल जलाल फरमान गए इंदा जहन्नम अंदरों बिस्तर लै जाओ जहन्नम का लिबास लै जाओ वीरा मैं दुआ करना अल्लाह सानू सारिया नू कबर दी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह अकबर। वीरा इस दुनिया ते किसे ने हमेशा बैठिया नहीं रहना अपनी आखरत की फिक्र कर ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बेनमाज बंदा है बेनमाज बंदे की कबर अंदर एक घट सौ सप छड़िया जाएगा अस्तगफिरुल्लाह। वीरा अज दे जुमे नूं जाया ना करी ये ना आखी कारी साहब तो कहंदे आए ने मौलवी कहंदे आए ने इन्हां गल्लां नूं पल्ले बन ला जवाना इन्हां गल्लां नूं बादे पल्ले बन लै अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सप इतना जहरीला होएगा नबी पाक ने फरमाया जिस वक्त एक डांगो नू मारेगा नबी पाक ने इन्नियां कफीतां कुछ इस तरह बयान कीतियां ने आका फरमांदे ने वो सप जेड़ा है अगर जमीन दे अंदरों कबर अंदरों मुँह कढ़ के बाहर फुहारा मार देवे जेड़ी करीब करीब जमीन है किते भी उन्दे अंदर सब्जा ना होए इतना जहरीला होएगा जेड़ा बंदे दी कबर अंदर छड़िया जाएगा। अवीरा जे तेनू पता चल जाए ना तेरे कमरे के अंदर सप्प है तो तू किते भी उस कमरे के अंदर नहीं वड़दा क्यों इस कमरे के अंदर सप्प है अगर तेनू पता चल जाए तेरे बिस्तर के अंदर डेमू वड़ गया तो तू वो नहीं बर्दाश्त करता उस बिस्तर अंदर नहीं वड़दा। अते वीरा जिस पाक नबी ने तेनू कबर के इतने वहशतनाक मंजर दसे ने उन्होंने भुला के फिरना वो सच्चिया गल्ला सच्ची हकीकत नू भुला के फिरना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा उस कबर दे अंदर बेनमाज फासक फाजर बंदे नू थोड़े नाल मारिया जाएगा वो थोड़ा इतना मजबूत है इतना वजनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी कायनात मिल जाए उस थोड़े नू उठाना चाहे हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उस थोड़े नू ओहद पहाड़ के उपर भी मारिया जाए किसे पहाड़ दे उत्ते मारिया जाए वो पहाड़ सारा रेजा रेजा हो जाए ए तेरी कबर अंदर तेनू वजने ने अगर नेक अमल ना कीते। अल्लाह अकबर इस दुनिया ते हमेशा बैठा नहीं रहना ते मैं पैगाम देना चाहना वा जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है ये
ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सिफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, पड़ा रह गया यूं ही सब ठाठ सारा। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझ से दुन है रहूं सब से आला, हो जीनत निराली तो फैशन निराला। यही तुझ से दुन है रहूं सब से आला, हो जीनत निराली तो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम वर बे निशा कैसे कैसे, हुए नाम वर बे निशा कैसे कैसे। मकी हो गए लाम का कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह दे हजूर दुआ है, अल्लाह जो सुनिया सुनाया अल्लाह उन्हां बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू कब्र दी हशर दी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आंदा जुमा कब्र से इस अगे हशर तो लैके कब्र तो उठावन तो लैके अगले सारे मनाजर बयान किए जाएंगे। अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह सानू इन्हां वक्तों नू इन्हां मरलियां दे आन तो पहला अल्लाह सानू आखरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।